उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोकुलपुरी विधानसभा के अंतर्गत गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पिंक लाइन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में सांसद मनोज तिवारी के साथ मेट्रो के आला अधिकारी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर उत्तरी जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता भी मौजूद रहे। यह मेट्रो लाइन शिव विहार से मजलिस पार्क तक जनता के लिए चलाई जाएगी। फिलहाल इस लाइन पर शिव विहार से लेकर त्रिलोकपुरी तक ट्रायल किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम इस समय मौजूद है गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन, जहां पे पिंक लाइन के लिए सर्वे निरीक्षण किया जा रहा है। सांसद मनोज तिवारी और मेट्रो के अधिकारी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद, बात करते हैं किस तरह का उन्होंने इस जो मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया है, क्या क्या इसमें कमियां हैं जो अभी पूरी करने की जरूरत है। ये पिंक लाइन है और ये आज हम लोग जिसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए ड्रीम कम ट्रू है। पहली बार हमारी लोकसभा में मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है और आपको ये बात भी अच्छी तरह पता है कि दिल्ली चलती है यमुना पार के इस क्षेत्र से, चाहे काम करने वाले लोग हो, ऑफिसों में अधिकारी हो, वो सभी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। तो इस हिसाब से ये शिव विहार तक ये मेट्रो जाएगी और मजलिस पार्क से शिव विहार तक की इस यात्रा में मैं समझता हूँ कि लगभग 40 लाख लोगों को मेट्रो ने जोड़ दिया। बात की मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, आपकी लोकसभा में मेट्रो शुरू होने वाली है और आपका आपके समय में शुरू हो रही है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? नहीं, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। जब जनता ने जिस आकांक्षाओं से हमको जनप्रतिनिधि बनाया, हमारा काम होता है ऐसे अधिकारियों के साथ मिल करके इनके काम को स्पीडाइज करना, इसी को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वर्क। तो डेवलपमेंट पे कोई समझौता नहीं और मैं समझता हूं कि अब ये हमारी डीएमआरसी को भी हम थैंक्स करते हैं कि जितनी जल्दी से और जितनी मजबूती के साथ इस लाइन को शुरुआत किया है। मैं समझता हूं कि सितंबर लास्ट इसका संचालन शुरू हो जाएगा। 30 सितंबर एक हम लोगों ने लमसम डेट रखा है और मैं समझता हूं ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी और इसके लिए शासन प्रशासन को भी धन्यवाद और स्पीड के अनुसार काम करने के लिए मैं डीएमआरसी को भी थैंक्स करता हूँ। क्या लग रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ जो गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन है काफी भीड़ वाला मेट्रो स्टेशन होगा और आपने जो निरीक्षण किया है तो किस तरह से आपके नजरों में है ये? अरे भाई, बॉम्बे का दृश्य देखिए, बॉम्बे में जब मेट्रो रुकती है उतरती है तो जो दृश्य आता है तो उससे ज्यादा भीड़ नहीं होगी, बट जितनी सुरक्षा के नॉर्म्स का ध्यान रखा गया है वो बहुत ही खास है। लोगों के लिए सीढ़ी भी है और लोगों के लिए वो जो स्वचालित मशीन होती है वो भी है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को थैंक्स कर रहा होगा। हमारे साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर साहब भी साथ मौजूद हैं इस पिंक मेट्रो लाइन में, वो भी निरीक्षण में साथ हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह का उनकी नजरों में ये पिंक लाइन का। मैं अपने लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास करके केंद्र सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा मंजूरी दिला करके उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोगों को अपूर्व दिल्ली बनाने का जो सपना है उनका पूरा करने का काम किया। आज इस क्षेत्र में जमुना पार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन मनोज तिवारी जी ने पिंक लाइन ला करके दिखा दिया कि ये क्षेत्र पिछड़ा नहीं, सबसे आगे का क्षेत्र है। देखिए, ये मनोज तिवारी जी की सोच झलकती है कि पिंक मेट्रो का जो इन्होंने यहाँ देखना निरीक्षण करना है और उनकी सोच से इस पर पहले से इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि पिंक लाइन का आज मैं निरीक्षण करने जा रहा हूँ और पिंक कुर्ता पहन के जा रहा हूँ। इनकी सोच से झलकती है कि हमारी सोच अच्छी है।
हमारे साथ मेट्रो अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके साथ आइए बात करते हैं कि गोकलपुरी जो जहाँ पर हम खड़े हैं, गोकलपुरी पिंक लाइन का जो स्टेशन है मेट्रो का, उसकी सुरक्षा के लिए कितने अच्छे इंतजाम उन्होंने किए हैं। इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे आपने देखा है गेट भी हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि PSG हम लोग प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर कहते हैं इसको, और इसके माध्यम से अपना जो भी मूवमेंट होगा पैसेंजर्स का वो बहुत सेफ मूवमेंट होगा इसमें। और बाकी कैमरे CCTV का हमारे यहाँ पूरा अरेंजमेंट है, पूरा स्टेशन CCTV की निगरानी में रहेगा। तो ये सारे कार्य हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। CISF का तो प्रबंध रहेगा जब लाइन खुल जाएगी। तो क्या माना ये सबसे बड़ी मेट्रो लाइन, पिंक लाइन सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है, काफ़ी लिंक मेट्रो लाइनों को जोड़ रही है, तो इसके लिए और कई बेहतर क्या इंतजाम सोचे गए? तो ये जो हमारा मेट्रो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, और हम लोगों ने जहाँ भी जो भी अरेंजमेंट हो सकता है वो किया है। यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर का और अरेंजमेंट किया हुआ है। बात की इस लाइन पे टोटल कितने मेट्रो स्टेशन होंगे, कब ये जनता को सपोर्ट की जाएगी? अभी हम लोग इसको त्रिलोकपुरी से बिहार तक इस पैच में खोल रहे हैं, इसमें 15 स्टेशन है, और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 30 सितंबर तक इसको खोल दें जनता के लिए। सांसद जी द्वारा मेट्रो का निरीक्षण किया गया है, जल्दी एक महीने के अंदर यहाँ पे मेट्रो चलाई जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी और मेट्रो के कुछ अधिकारी, जिन्होंने बताया कि पिंक लाइन मेट्रो का पूरा निरीक्षण किया जा चुका है, और जनता के लिए करीबी अब त्रिलोकपुरी तक, ऐसे बिहार से त्रिलोकपुरी तक चलाई जाएगी, और 15 स्टेशन इस पर होंगे जो कि जनता के लिए 30 सितंबर से संभावित डेट बताई जा रही है, जो जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाह दिल्ली। Audio Jungle.